महामारी के इस खतरनाक दौर में हम इतने लापरवाह हैं कि सरकार को हमारी जान बचाने के लिए हमारे ही खिलाफ कानून बनाना पड़ रहे हैं। शायद ये हम भूल गए हैं कि जिंदगी हमारी है, सरकार की नहीं। आखिर क्यों सरकार को मास्क ना लगाने पर हमारे ऊपर जुर्माना लगाना पड़ रहा है? आइए वादा करें कि कोरोना संक्रमण से खुद को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। नमस्कार, मिशन 24x7 के साथ मैं हूं सिमरनजीत सिंह। अब आपको दिखाएंगे जिले भर की वो सभी छोटी बड़ी खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार है। जिले में आज 230 कोरोना संक्रमण के नए मरीज मिले हैं। वहीं आज 52 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं, जिसके बाद अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 7258 हो गई है। तो वहीं संक्रमण के चलते आज हुई 2 मौतों के बाद मरने वालों का आंकड़ा 140 पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि जिले में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1299 है। सायाहपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है और उसके परिजन ऑक्सीजन के भारी भरकम सिलेंडर को हाथों में पकड़कर अपने मरीज को इलाज के लिए ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिला हरदोई के शाहबाद का रहने वाला संजीव बांगा के बड़े भाई श्याम सुंदर को फेफड़ों में संक्रमण हुआ था, जिन्हें सायाहपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि जब परिजनों ने ऑक्सीजन की मांग की तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी का हवाला दिया गया। ऑक्सीजन न मिलने पर परिजनों ने अपने निजी स्तर से ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर की व्यवस्था की। मरीज को जब फायदा नहीं हुआ तो परिवार वालों के कहने पर मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मरीज को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिसके चलते परिजन स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाकर अपने हाथों में भारी भरकम ऑक्सीजन का सिलेंडर उठाकर चलते हुए नजर आए। ये तस्वीर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने जैसी है। तिलहर कोतवाली में तैनात एसआई पवन कुमार पांडे के नाम से किसी ने फेसबुक आईडी बनाकर फेसबुक यूजर से पैसों की मांग की। फेसबुक यूजर को संदेह होने पर उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। वहीं पुलिस ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसों की मांग करने वाले साइबर ठग की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के पावन पर्व पर ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के अनुष्ठान की नवमी तिथि और रामनवमी के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन जगत की सकल आस्था के केंद्र और भारत की अटूट श्रद्धा के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से हम सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख और शांति का वास हो। सायाहपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। यहां महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने मेडिकल स्टाफ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और वार्ड में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की पूरी घटना के बाद मेडिकल स्टाफ में भारी रोष है। वहीं आरोप ये भी है कि मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस भी पिट रहे मेडिकल स्टाफ की मदद नहीं कर पाई। फिलहाल अब पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पंचायत सदस्य सिंधौली द्वितीय से बसपा प्रत्याशी इरम्बानो का जनसंपर्क लगातार जारी है। आज इरम्बानो के समर्थकों ने महाऊ महेश, भटपुरा रसूलपुर, कुतुबपुर, जलालाबाद, बबौरी और पचपेड़ा गांव में जनसंपर्क कर इरम्बानो के समर्थन में वोट करने की अपील की। बसपा के तिलहर विधानसभा उपाध्यक्ष आसिफ अली मंसूरी ने भटपुरा रसूलपुर में एक बैठक भी की। यहाँ बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इरम्बानो के समर्थन में अधिक से अधिक वोट करवाने की अपील की। तेलहर पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने आज क्षेत्र के गांव सोनोरा, अजमतपुर, धनौरा और पिंगरा पिंगरी में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में चल रहे वाहनों की भी तलाशी ली। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। तिलहर पुलिस ने कस्बे के मुख्य बाजार में पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे 6 लोगों के चालान काटे और उनसे 6000 रुपये का जुर्माना वसूला। राष्ट्रीय हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गुप्ता ने आम लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है।
ललित गुप्ता ने कहा कि जिले में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में जरूरी है कि हम लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। बेहद आवश्यक होने पर घर से निकलते समय मास्क पहनकर ही बाहर आएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। आजमुआ के गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव और प्रभारी सत्येंद्र त्रिवेदी ने की। इस दौरान सत्येंद्र त्रिवेदी ने कहा कि बड्डा पुआया और कुटार क्षेत्र से कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाया जा रहा है और निश्चित ही हमारे सभी प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र के न्याय पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक कमेटी टीम बनाकर अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क करें और आम जनता को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराएं। आज तिलहर में पोषाहार का वितरण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र इमली फर्स्ट और नित्यगंजा में गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषाहार दिया गया। वहीं 3 से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को भी आहार दिया गया। इस दौरान संतुलित आहार के लिए भी जागरूक किया गया। पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। सिंधौली जिला पंचायत सदस्य द्वितीय सीट से चुनाव लड़ रही बसपा प्रत्याशी इरम बानो को कप और प्लेट, तो वहीं इसी सीट से चुनाव लड़ रही बबली देवी को केतली और बबीता गुप्ता को कैंची चुनाव चिन्ह दिया गया है।